चाहता हूं कि क्योंकि इलेक्शन हमारा पहले है और कैसे नजर आते हैं, उन्होंने कहा कि पहले मैंने कैट टॉप 10 में थे और नंबर 5 में आए और जो अभी मेरा थर्ड टेन्योर आएगा तो उसमें हिंदुस्तान नंबर 3 में खड़ा होगा, टॉप 3 इकोनॉमीज में खड़ा होगा। कैसे होगा और हम लोग क्या सोचते हैं, यानी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्शन होगा, किसी ने किसी पार्टी को आप इस वक्त भी घटे हुए नजर आते हैं और कैसे नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि पहले मैंने यानी सेकंड टेन्योर में इंडिया को नंबर 5 इकोनॉमी में लेके आया हूँ और जो अभी मेरा थर्ड टेन्योर आएगा तो उसमें हिंदुस्तान नंबर 3 में खड़ा होगा, यानी टॉप 3 इकोनॉमीज में खड़ा होगा। कैसे होगा और हम लोग क्या सोचते हैं, यानी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्शन होगा, किसी ने किसी पार्टी को आप इस वक्त भी घटे हुए नजर आते हैं और कैसे नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि पहले मैंने यानी सेकंड टेन्योर में इंडिया को नंबर 5 इकोनॉमी में लेके आया हूँ और जो अभी मेरा थर्ड टेन्योर आएगा तो उसमें हिंदुस्तान नंबर 3 में खड़ा होगा, टॉप 3 इकोनॉमीज में खड़ा होगा। कैसे होगा और हम लोग क्या सोचते हैं, यानी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्शन होगा, किसी किसी पार्टी को घटे हुए नजर आते हैं और कैसे नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि पहले मैंने यानी सेकंड टेन्योर में इंडिया को नंबर 5 इकोनॉमी में लेके आया हूँ और जो अभी मेरा थर्ड टेन्योर आएगा तो की है। ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है और लोग यही कहते हैं कि क्योंकि गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज, हमारे यहाँ भी जो गुजराती कम्युनिटी है वो बिजनेस पे खास ध्यान देते हैं और यही वजह है शायद के मोदी जी और अमित शाह साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो खास उनका फोकस होता है इकोनॉमी पे। और जाहिर है अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो दुनिया उससे बात भी करेगी। अब अगर मोदी जी कहीं जाते हैं और डिफरेंट अगर हथियार लेते हैं या कोई और चीज इंडिया के लिए ली जाती है, जैसे आप जानते हैं जेट वगैरह क्या कुछ लिया जाता है, तो उसमें उनको मालूम है कि ये पैसा देकर ले रहे हैं और हमें पैसा ऑफर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अगर एक्सपर्ट्स भी उनके पास ऐसे हैं आईटी के और कई दूसरी फील्ड के जो कि वो ऑफर कर सकते हैं कि जी देखें इस पे ये लोग काम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास पैसा तो खैर है ही नहीं, लेकिन हमने कोई खास एक्सपर्ट्स भी सामने लेकर नहीं आए जिनकी दुनिया को जरूरत हो। हमारे यहाँ बिल्कुल यही काम चल रहा है कि अच्छा आप इधर से लोन मिल गया, अब अगला शिकार कौन है, अच्छा फिर उधर से लोन मिल गया उसके बाद कौन है, और यही करते जा रहे हैं। और लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा, 76 ईयर्स तो चल गया बहुत सक्सेसफुली, कोई ना कोई जुगाड़ हम लगाते रहे, लेकिन अब आगे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है ये काम होता हुआ। लेकिन ये जरूर है कि अगर थोड़ा सा हम सीखें, जाहिर है कि सीखने की हमें जरूरत है और सीखना भी चाहिए, तो हम इकोनॉमी पे जो है वो वर्कआउट हो सकता है, यहाँ पे भी लोग काम कर सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर। और जैसे कि हमारे यहाँ भी गुजराती कम्युनिटी मौजूद है, अगर उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स को जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हों उनको गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, उनको किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो शायद वो कोई हमें बेहतर एडवाइस कर सकें जिससे हम जो है वो अपने आप को भी इस प्रॉब्लम से निकाल सकें। अच्छा आरजू, क्या हमारी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल है? मैं ये कभी नहीं कहता कि हिंदुस्तान में काबिल लोग हैं पाकिस्तान में काबिल लोग नहीं है, ठीक है वहां पे ज्यादा होंगे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशन हमसे अच्छी है, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के लेवल तक भी तो ऐसे लोग हैं जो चीजें कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो कुछ करता है तो हर कोई मुख्तलिफ जो लॉबीज हैं, जिनके लोग पार्लियामेंट में भी हैं, जिनके लोग जुडिशरी में भी है, जिनके लोग ब्यूरोक्रेसी में भी है, जिनके लोग बिजनेस कम्युनिटी में भी है, जिनके लोग जो है वो शायद जिसे कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में भी मौजूद है, वो फिर अपनी जिसे कहते हैं कि वाबेला मचाना शुरू कर देते, तो आपको लगता है कि हमारी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल है? बात सिर्फ गुजराती कम्युनिटीज की नहीं है,
यकीनन वो होंगे, वो हो सकते हैं कारोबार में ज्यादा तगड़े हो, मैं ये नहीं कहता कि वो, उनसे मुझे इनकार है, लेकिन और कम्युनिटीज भी ये कुछ कर सकती है। लेकिन अफसोस के साथ हम कहते हैं कि कमाओ यहां से लगाओ दुबई में, लूटो यहां से लेके जाओ लंदन उसको। ये आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रायोरिटीज हमारी हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, ब्यूरोक्रेसी की, या एस्टेब्लिशमेंट, या किसी और? देखिए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में है वो ये कि हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो मतलब इकोनॉमी पे अगर काम करते हैं तो कंट्री के लिए करते हैं, और हमारे जो हैं वो अपने लिए करते हैं। अगर अगर इंडिया में करप्शन होती, मैं ये नहीं कह रही इंडिया में कोई करप्शन होती नहीं है, पूरी दुनिया में बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं पाकिस्तान के करप्शन, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है जो इंडिया में होती है। लेकिन क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे यही बताया है, वजह इसके कि लोग नीचे कमेंट्स में शुरू हो जाएं कि क्या कह रही हैं क्या कह रही हैं, तो मैं बता दूंगी, मेरे ये सब मुझे इंडियन फ्रेंड्स ने ही बताया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उनका जो करप्शन का पैसा होता है वो अपनी कंट्री में ही लगाते हैं, हमारा फौरन ही बाहर चला जाता है, यहाँ पे रहता ही नहीं। अगर ये लोग भी करप्शन करें और उस पैसे को पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करें तो शायद जो हमारी हालत है वो पहले से बेहतर हो जाए, क्योंकि इन्होंने बास तो आना नहीं है। अब चाहे जितना मर्जी पैसा हो किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पास या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के पास, आपको पता है कि वो तो उनकी जो करप्शन है वो तो रोकी नहीं जा सकती, और ना ही रोके जाने की कोई सूरत नजर आ रही है। देखिए, दुनिया ने मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए करप्शन को, ख़त्म कहीं पे भी नहीं हुई। चाइना में इतनी सख्त सजा है, वहाँ पे भी करप्शन है, बाकी दुनिया में भी है, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ में, उनकी बात करता हूँ, पाकिस्तान की नहीं बात करता, या इस रीजन की भी नहीं करता, वो वहाँ पे, लेकिन उन्होंने उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया है। अगर इंडिया, हम ये कहते हैं ना कि जी करप्शन करे क्यों, यहाँ वाले क्यों करें करप्शन, मतलब ये तो ऑलरेडी हमें, जिसे कहते हैं कि 76 सालों में हमें इस नेज पे पहुंचा दिया कि हम मांग के, मतलब आज जोड़ जोड़ के ले रहे हैं, और बल्कि किसके लिए ले रहे हैं, मेरे और आपके लिए ये नहीं ले रहे ये पैसा, ये जो दावा करते हैं ना कि ये हमने मुल्क को बचा लिया, सर मुल्क को आप सिर्फ अपने लिए बचाते हैं, इस आवाम के लिए बचाया होता तो यकीन करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक रेड़ी वाले की वीडियो देखी है, वो कहते हैं यार मैं बमुश्किल दिन में 500 से 700 रुपए कमाता हूं, मेरा 19,000 का बिजली का बिल है। मुझे ये बताया कि जो रेड़ी लगाते हैं उसके घर में कौन से एयर कंडीशनर्स लगे होंगे, कौन से, तो ये जो मुल्क बचाने वाली जो चूरन है और ये जो ड्रामा है, ये मेरे आपके लिए क्या, मैं कहता हूं कि मेरे आम पाकिस्तानी के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए, 3-3 अरब की गाड़ियां मंगवाओ, ये कर लो वो कर लो, इनकी अयाशियों में कौन सी, मुझे आपको कोई कमी अगर नजर आती है, आप खुद इस्लामाबाद में रहती हैं, ये पॉलिटिशियंस आपको जानते हैं, आप भी जानती हैं, देखती भी रहती हैं, मुझे ये बताएं इनकी अयाशियों में कोई फर्क पड़ा है, आपको लगता है कि इनके अयाशियों में कोई फर्क पड़ा है जो IMF से हमने लोन पकड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और जैसे कि पहले भी कई बार साजिद आर साहब ने भी कहा कि ये पैसा आएगा, बल्कि आएगा भी नहीं, उधर से उधर ही आगे रवाना हो जाएगा, तो ऐसा ही होता है, और यही वजह है कि हमारी इकोनॉमी पे कभी कोई काम हो ही नहीं सका। आज भी आप जानते हैं कि शबर जैदी साहब का इंटरव्यू एक आ रहा है, और उन्होंने उसमें कहा है कि PTI को कहा है कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट 1 साल और रह गई होती तो इकोनॉमी बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाती। लेकिन बात सारी ये है कि पहले कौन सी चल रही थी जो इमरान खान ने खराब कर दी। इमरान खान के टाइम पे भी अच्छी नहीं रही, लेकिन कभी भी नवाज शरीफ या जरदारी साहब के टाइम पर भी इकोनॉमी अच्छी नहीं रही। ये लोग भी कशकोल लेके ही घूमते थे, बल्कि नवाज शरीफ तो हर बार कहते थे कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा, और हर बार नया कशकोल लेकर आ जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है, बहुत सी चीजों में हम इमरान खान को ब्लेम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान से पहले यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही थी, उससे पहले भी लोन ही पकड़े जा रहे थे, उससे पहले भी करप्शन ही की जा रही थी, और बहुत से केसेस थे जिसके अंदर ये लोग थे और एक एक करके बाहर आ गए, वो एक अलग बात है। और यही अब इमरान खान के साथ हो रहा है, इमरान खान के साथियों के साथ हो रहा है, एक एक करके करप्शन केसेस में अंदर जा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद बाहर आ जाएंगे। लेकिन बात सारी यही है कि कंट्री का तो किसी एक ने भी नहीं सोचा, ना इमरान खान ने, ना नवाज शरीफ साहब ने, ना जरदारी साहब ने, ना बाजवा साहब ने, ना उससे पहले के आर्मी चीफ जो थे उन्होंने, ना एस्टेब्लिशमेंट ने, हर एक ने अपना खाने कमाने पर ही फोकस रखा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग जो आसिम सलीम बाजवा और इस किस्म के दूसरे केसेस निकले थे तो अपने इदारे में से भी 2-4 लोगों को सजा देते, 2-4 लोगों के ऊपर केस चलाते, तो शायद लोगों को लगता कि कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन कुछ हुआ नहीं, और आगे भी होता हुआ कुछ खास उम्मीद नहीं है, इसलिए कोई ये ना समझे कि आगे सुधरने वाले हैं।
मतलब अर्ज एक चीज और है, और वो ये है कि यहाँ पे अगर कहते हैं ना ये लॉ बना है, ये फला बिल पास हो गया, ये फला बिल पास हो गया, उसमें जो उसका एंड जो रिजल्ट होता है वो क्या चीज होती है कि वो एक आम आदमी की गर्दन दबोच लो, जो पहले ही आपके हाथ में, आपने बिजली महंगी कर दी, बाकी कुछ चीजें महंगी कर दी, तो वो बेचारा क्या करेगा, वो तो मजबूरी है, बस वो कहेगा अच्छा ये बिल तो मैंने पे करना है, बेशक वो कहीं से मांग रहा हो, वो उधार पकड़ रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो वो सारी चीजें करता है। लेकिन वो लॉज जो है, अभी रिसेंटली जो छोटी बच्ची का केस हुआ, एक सिविल जज साहब है, उनकी वाइफ है, कोई हफीज नाम के कोई जज हैं, मुझे ये बताएं कि उनको अरेस्ट नहीं किया गया। सरगोधा की मेडिकल रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, फिर लाहौर के हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट की, इतनी सीरियस कंडीशन में वो बच्ची है, और शायद 9 या 10 साल उस बच्ची की रिजवाना की उम्र है, क्यों नहीं है? तो मुझे कैसे यकीन आएगा कि यार मेरे मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, और जो कानून है वो मिस आरजू काजमी के लिए, फखर यूसुफजई के लिए, जनरल आसिम बाजवा के लिए, जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए, वो उमर अता बंदयाल साहब के लिए, वो जो है वो साकिब निसार साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, और इमरान खान साहब के लिए एक जैसा है। मुझे यकीन आएगा या आपको आएगा या किसी आम पाकिस्तानी को आएगा? देखिए, बल्कि अभी मैं वही नाम ढूंढ रही थी फोन में, और ट्विटर पे नाम आया है उन सिविल जज साहब का, आसिम हफीज। जी आसिम हफीज, आसिम जी, बिल्कुल मैं वही अभी ढूंढ रही थी कि उनका नाम क्या है। तो खैर, एक नाम का एक हिस्सा तो वही है जो हमारे आर्मी चीफ का है, तो इस तरीके से याद रख लिया जाएगा। तो आसिम हफीज नाम है, और जैसा कि देखा गया कि बिल्कुल उनको जो है वो अदालत ने जमानत पे रिहा कर दिया उनकी बीवी को, और पकड़ा ही नहीं था। अच्छा, कह तो ये रहे हैं कि जी, बल्कि उन जज साहब की पिक्चर भी है, नहीं हुई अरेस्ट नहीं हुई, ये आसिम हफीज और इनकी वाइफ की पिक्चर्स सोशल मीडिया पे अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उन जज साहब की मिल गई है जिन्होंने जमानत दी है। ठीक है, वो उन्होंने पहले अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन बहरहाल जमानत नहीं होनी चाहिए थी, अरेस्ट होना चाहिए था, सजा होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि अमीर के लिए कुछ और कानून है, गरीब के लिए कुछ और कानून है, और ये इस तरह से बच्चों को घर में रखते हैं और एज अ सर्वेंट, और उसके बाद मारपीट होती है। तो ये तो अक्सर हम देखते हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर आवाज नहीं उठाता। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि बच्चों को रखना भी मना है, आप उनको उनसे काम नहीं करवा सकते, उनको एज अ सर्वेंट नहीं रखा जा सकता, मगर वो भी रखा जा रहा है। और मजे की बात ये कि जज साहब के घर में रखा जा रहा है, जो खुद जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कानून के साथ रहें और कानून के हिसाब से चलें, उनके घर में ये गैर कानूनी काम हो रहा था और उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अभी भी मुझे नहीं लगता कुछ होगा, उस बच्ची की हालत काफी खराब है, और मुझे नहीं लगता कि वो, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। लेकिन इनको ना कोई सजा होगी इन मुजरिमों को, ना कुछ, ही आराम से निकल जाएंगे, और उसके बाद उसी तरीके से शान से बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ वहां आपको घूमते फिरते दिखाई देंगे, और कोई कुछ नहीं कह रहा होगा, सब बड़बड़ के सलाम कर रहे होंगे, गाड़ी के दरवाजे खोल रहे होंगे, क्योंकि यही हम लोगों की आदत है, यही हम लोगों की औकात है कि हम जो बड़े लोग होते हैं उनके आगे, उनके बड़े से बड़े जुर्म के ऊपर भी जो है वो उनको कुछ नहीं कहा जाता। बिल्कुल सही है। और आज से तकरीबन 3.5-4 साल पहले इस्लामाबाद का सेक्टर I-8 था, वहां पे भी एक जज साहब के घर में इसी तरह की छोटी बच्ची के साथ यही कुछ होता रहा, उसकी वीडियोस भी वायरल हुई, लेकिन उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा, कोई खास तब्दीली वहां पे नहीं आई। अरसु शहबाज शरीफ साहब ने एक रोज का दौरा किया ग्वादर का, क्योंकि शायद ये आखिरी उनका दौरा होगा मेरे ख्याल में, एज ए प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, वैसे तो जा सकते हैं। वहां पे उन्होंने बहुत सारी बातें की, एक बात ये कि जी ग्वादर तो हम बना रहे हैं या बन रहा है या बन चुका है या जो भी है, लेकिन यहाँ की आवाम ये सवाल करती है कि भाई हमें ग्वादर से क्या फायदा, पोर्ट बड़ा हो, छोटा हो, गहरा हो, नहीं हो, बड़े जहाज आए, छोटे जहाज आए, 1 लाख टन की हैंडलिंग हो या 1 करोड़ टन की हैंडलिंग हो, हमें क्या फायदा? क्योंकि उनको अगर फैसिलिटेट नहीं करते तो फिर वाकई में उस चीज का क्या फायदा। और दूसरी बात उन्होंने की कि जी लास्ट 5 ईयर में सिर्फ 1 लाख टन वहां पे हैंडलिंग हो सकी। जब सीपैक के हवाले से हमने शोज किए थे इमरान खान साहब की हुकूमत में, तो उनके वही चाहिए लोग जो बहुत सारा पैसा उन्होंने इमरान खान साहब से कमाया है, वो कहते हैं कि जी ये किसी दुश्मन मुल्क के जो है ना प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने हुए। और ये मैं सिर्फ हमारी बात नहीं है, आपकी या मेरी बात नहीं, बहुत सारे लोग अगर ऐसी बात करते थे
तो ऐसे लगता था जैसे उनके दुम पे पांव रख लिया हो, उछीते चिल्लाते तो कहते यार ये देखो झूठा प्रोपेगंडा कर। अब ये प्राइम मिनिस्टर इस वक्त ये बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे सवाल? देखें शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल से अभी वाहिद प्राइम मिनिस्टर आए हैं जो बहुत सी ऐसी बातें कह जाते हैं जो शायद एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं भी कहनी चाहिए और सच बोल जाते हैं बहुत बार। वो जैसे गए थे जी मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ लेकिन क्या करूँ मजबूरी है, तो वो भी उनका बड़ा चला था। और इसके अलावा भी शहबाज शरीफ साहब कई बार मुझे लगता है बड़े ही मासूम से और सीधे से इंसान है कि वो सच बोल जाते हैं। और यही बात उन्होंने ग्वादर को लेके भी की, बिल्कुल ग्वादर के जो लोकल्स हैं जो वहाँ पे जिनकी रिहाइश है या जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनके लिए यही कहा जाता है कि उनको कोई फायदा नहीं है सी पैक का। वैसे तो अभी तक हमें भी कोई फायदा नहीं है जो कई हजार मील दूर रहते हैं, हमें भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन बहरहाल जो लोकल्स हैं उन्हें कोई फायदा नहीं है। और कहा यही जा रहा है कि इसका अगर किसी को फायदा होगा तो वो चाइना होगा। हमें सिर्फ कहानियां सुनाई जा रही हैं और जो वहाँ के लोकल्स हैं वो भी बहुत तंग हैं। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और ये सी पैक जो है ये मुझे नहीं लगता कि इससे ये कोई खास फायदा उठा पाएगा, खास तौर पे पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं पाकिस्तानी वो तो एक मजदूर की तरह एक लेबर वाली जिंदगी गुजारते हैं, सारी पावर और सब कुछ तो चाइनीज के हाथ में ही है। तो अब लोकल्स ने बोलना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, मगर उनकी सुनेगा कौन? कोई नहीं, उनके पास ताकत नहीं है। वो बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे कि जी हमारी जगह पे कब्जा कर लिया है और हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर साउथ एशिया में खास तौर पे गरीब के प्रोटेस्ट की कोई अहमियत नहीं होती। वो करते करते मर जाते हैं, मुकदमे करते करते कई नस्लें खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो मुझे भी यहाँ यही लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, प्रोटेस्ट बहरहाल वो लोग करते रहेंगे। आप बलूचिस्तान में देख लीजिए कब से कितनी बार कितनी चीज़ों पे प्रोटेस्ट हुए हैं, कोई एक चीज़ तो नहीं है, बहुत सी न्यूज़ तो मैंने और आपने कवर भी की है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को कुछ भी ठीक नहीं किया गया, तो यहाँ भी ऐसे ही रहेगा। अच्छा एक चीज आपने चाइनीज की बात की, लेकिन मैं लास्ट 2 ईयर से मैंने इस पे थोड़ा बहुत काम किया, 2-3 साल ऑलमोस्ट हो गए, तो वो अपना रोना रो रहे हैं, बिलीव मी वो उनको खुद समझ नहीं आ रही कि हमारे तकरीबन $50 बिलियन फंसे। मैं आपको सही बात बताऊं, वो कोई ये नहीं कि चाइनीज की कोई वो ले रहा हूँ साइड, यकीन करें कि अगर आप उनको मिले तो वो अपना रोना रो रहे कि यार हमारे अपने पैसे फंसे हुए, उनको खुद समझ नहीं आ रही कि अब हम करें तो क्या करें। तो हम तो ऐसा घुमा देते हैं बंदे को कि वो फिर बेचारा जो है वो मतलब समझ तो फिर इस प्रोजेक्ट में हंस कौन रहा है? मेरे ख्याल इस प्रोजेक्ट में फिर सिर्फ आसिम सलीम बाजवा और इसी जैसे दूसरे फौजी और एजेंसी के लोग जो हैं वही हंस रहे हैं। लेकिन बाजवा अपनी वाकई वो मतलब वो तो खुश हैं और खुश ही रहेंगे, मतलब इतनी बड़ी चेन बना दी है ऐसा तो नहीं है। और ये एक नाम है, ये एक नाम है जो आपके सामने है, नहीं, वो ऐसे तो कई होंगे सामने भी आ गया, वरना क्या जरूरत थी, मतलब कोई जरूरत नहीं थी खामखा का। और वो भी इमरान खान थे जिन्होंने इनको क्लीन चिट दी थी, तो इस तरह के कई नाम है। तो बिल्कुल अब हाल ये है कि वो आप जैसे कह रहे हैं कि चाइना वाले भी रो रहे हैं और ग्वादर के अपने लोग जिनकी वो जमीन है जिनका वो हक है वो भी रो रहे हैं, तो बीच में हंस कौन रहा है? यकीनन बीच में फिर भाई लोग ही हंस रहे होंगे। नंबर वन वो जो अफसार आलम साहब कहते हैं नंबर वन, वही हंस रहे होंगे फिर। सर हमारी तो मैडम हमारी तो नंबर वन है, क्या करें हम जो मर्जी कह दे लेकिन वो है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, और वो ये कि आजकल बहुत ज्यादा खवातीन दड़ा दड़ा आ रही है, कोई कहाँ से आ रहा है कोई कहाँ से आ रहा है। अभी मैं एक जगह पे देख रहा था, कहते हैं कि यार एक मैट्रिक पास लड़के ने एक खातून के साथ उनकी शादी हुई है, कोई अमरीका से शायद आई है, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि वहां पे लिखा हुआ था कि आप ऐसा करें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक FAFSC के उनके पास अमेरिका जाने का शायद इससे आसान कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि वैसे तो आपको पता है वीजा तो बाद की बात है ना, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही, 2-2 साल पाकिस्तान में, बाकी कंट्रीज का वैसे मुझे नहीं पता, व्यूअर्स मैं आपको पाकिस्तान की ही बात बताऊंगा, 2-2 साल अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। तो उन्होंने मशवरा दिया कि यार वैसे ही हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो जाना चाहते हैं ज्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो अगर वो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल